मैं आप सब लोगों को सर्वप्रथम इस कार्यक्रम में उपस्थित होने पर और आईएम के विद्यार्थी होने के नाते से वहाँ प्रवेश लेने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। निश्चित रूप से एक अच्छे नागरिक के नाते आप लोग इस संस्थान से अपनी पढ़ाई पूरी करके निकलेंगे, क्योंकि इस संस्थान ने इतने कम समय में जितना बड़ा नाम कमाया है ये उल्लेखनीय है। मात्र 10 वर्षों में आज हमारा स्थान देश के अच्छे मैनेजमेंट शिक्षण संस्थानों में ये हुआ है, और हम शोध कार्य में तो भारतवर्ष में 5वें स्थान पर इस संस्थान को गिनते हैं। तो इस प्रकार के संस्थान के साथ आपका जुड़ना, जहां लाखों लोगों ने संस्थान में आने की इच्छा प्रकट की होगी, उसमें से कुछ 100 विद्यार्थियों के नाते से आपका जो यहां आने का एक भाग्य मिला, सौभाग्य मिला, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है। एक विषय और, क्योंकि हरियाणा की बात से जुड़ी हुई बात है, तो इसलिए मैं आपको उस बात के लिए बधाई देता हूँ कि जब सबसे पहला बैच था इस संस्थान का, शायद 2010 का बैच था, तो उस 2010 के बैच में जो रेशो थी लड़के और लड़कियों की, लड़कियों की संख्या मात्र 9% थी, और जो इस बार मुझे पता लगा है कि इस बार के बैच में ये संख्या 65% है। इज इट सो? 69, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो आई अप्रिशिएट दिस थिंग कि जहां हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान ये लिया है, तो उस नाते से इस शिक्षण संस्थान में प्रत्यक्ष उसका इतना बड़ा एक सफलता का उदाहरण हमको मिल रहा है, इससे वास्तव में मन में एक खुशी होती है। हम लोगों ने 267 विद्यार्थी मेरे सामने हैं, और ये विद्यार्थी उन 160,000 लोगों ने जिन्होंने अप्लाई किया था उनमें से यहाँ चुन करके आए हैं। तो ऐसे आप प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी यहाँ हैं, जिस प्रकार के इस नवाचार के पाठ्यक्रम के प्रबंधन के माध्यम से आप ये शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई शुभकामना। इस आयन का जो एक इतिहास ये भी बन गया है कि यहाँ पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी 100% प्लेसमेंट यहाँ से होती है। जहाँ से 100% प्लेसमेंट का उदाहरण बनता है, यहाँ का इतिहास हो गया है, तो निश्चित रूप से देश भर में विद्यार्थियों को यहाँ की च्वाइस ये निश्चित रूप से बढ़ेगी। तो ऐसे संस्थान में आप आए हैं, और आप भी अपनी पढ़ाई में जब आगे बढ़ेंगे तो आपको ये प्लेसमेंट के नाते से तो कहीं कोई समस्या नहीं रहेगी। लेकिन हम लोग एक बात का ध्यान रखें कि यहाँ हम आए हैं पढ़ाई के लिए, केवल रोजगार के लिए या अपना कोई प्लेसमेंट हो जाए इसलिए हम आए हैं, इतनी सोच मात्र पर्याप्त नहीं है। क्योंकि हम लोग जिस मिशन को सामने रख करके चल रहे हैं, वो मिशन हमारा व्यक्तिगत ना हो करके कहीं एक बड़ा मिशन, सामाजिक मिशन ये भी बनना चाहिए। और हम लोगों को एक अच्छे नागरिक के नाते आगे बढ़ना है, तो देश के प्रधानमंत्री ने जैसा अभी आह्वान किया कि ये देश आत्मनिर्भर बने, तो आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए हम युवा शक्ति का जो एक योगदान है वो पूरा उसमें होना चाहिए। आत्मनिर्भरता के जो 4 एक फैक्टर्स उसमें बताए गए, उसके अंदर एक बताया गया इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर तो गवर्नमेंट्स कहीं भी कितना भी बना सकती हैं। फिर बताया गया सिस्टम्स भी हम उसको अपने खड़े कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से। आप सब लोग लगेंगे, बाकी लगेंगे, एक मैनेजमेंट के सिस्टम्स खड़े हो जाएंगे। और फिर है इकोनॉमी, अपनी नीतियां ऐसी बनाएं, पारदर्शी हम बना करके हम इकोनॉमी को भी अच्छा बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और धीरे धीरे इकोनॉमी आगे बढ़ भी रही है। लेकिन जो चौथी चीज़ बताई उन्होंने वो था डेमोग्राफी, अर्थात हमारी जो डेमोग्राफी है, हमारा जो समाज है, हमारे जो लोग हैं, उनका भी आत्मनिर्भरता में कितना ज़्यादा उपयोग हम कर सकते हैं, उसके लिए भी हमको योजना प्लानिंग बनानी होगी। तो हम भले ही मैनेजमेंट के एक संस्थान के साथ जुड़े हैं, लेकिन हम किस प्रकार के नागरिक बने, मैं आईएम की फैकल्टी को, खास करके हमारे निदेशक श्री शर्मा जी को जरूर कहूँगा कि एक सिस्टम ऐसा बनाएं कि हमारा युवा, इसकी दिशा ये इस देश और समाज के साथ जुड़ करके चले, ताकि मैनेजमेंट का कोई भी जो गुण है वो देश हित में कैसे उपयोग करें। वास्तव में मैनेजमेंट ऐसा विषय है, ये प्रबंधन, इसको
बुरे लोग भी अपने तरीके से अच्छे प्रबंधन करके बुरे से बुरे काम भी बहुत आसानी से कर सकते हैं, और इसी प्रबंधन के नाते से अगर अच्छे लोग होंगे तो अच्छे से अच्छा काम करके भी बहुत बढ़िया ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं। एक प्रबंध व्यवस्था पर मैनेजमेंट के एक लेक्चर में हमें एक व्यक्ति ने उदाहरण दिए कि भी इस मैनेजमेंट के माध्यम से भ्रष्टाचार को कैसा बढ़ावा दिया जा सकता है, उन्होंने उदाहरण दिया। आपने सुना होगा वो कि एक फाइल आई और उस फाइल के ऊपर लिखा अप्रूव्ड, और फिर उसी फाइल को बाद में लिखा नॉट अप्रूव्ड, NOT नॉट अप्रूव्ड, और फिर जब उसको करना था तो बाद में NOT के बाद आगे लगा दिया ई कि नॉट अप्रूव्ड। व्हाट इज दिस, दिस इज जस्ट मैनेजमेंट, अप्रूव्ड नॉट अप्रूव्ड नॉट अप्रूव्ड। तो जिन्होंने मुझे बताया कि मैनेजमेंट और क्या होती है, मैनेजमेंट ये है कि हम कम साधनों में कम समय में बढ़िया से बढ़िया उसको मैनेज करके उसका रिजल्ट आउटपुट कैसे ले सके। अब रिजल्ट आउटपुट हम अच्छी दिशा अगर समझेंगे जानेंगे तो देश और समाज के लिए एक अच्छा आउटपुट लेने का ये हम काम करेंगे, तो इसके लिए भी हमको जरूर हमारी शिक्षा में इसका कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए। इस संस्थान ने बहुत से ऐसे सरकार के लिए हरियाणा के लिए भी काम किए हैं, खासकर हरियाणा पुलिस और खाद्य संबंधित योजनाओं की जो सार्वजनिक नीति तैयार करनी थी वो भी अपने इस कुशल प्रबंधक प्रबंधन के नाते से IIM ने ही सरकार को करके दी है, तो इसका हमको भी उसका निश्चित रूप से लाभ हुआ है। मित्रों, हम लोगों ने इस प्रदेश में किस प्रकार से आगे बढ़ा जाए तो बहुत सी योजनाएं, अगर मैं इस कोरोना पीरियड की ही बात करूं तो इस कोरोना पीरियड के अंतर्गत 3 महीने में हमने 42 न्यू इनिशिएटिव्स लेकर के काम किए हैं। छोटे बड़े कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन लगातार इस समय का लाभ उठाते हुए हमने नए नए इनिशिएटिव्स इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम जो किए, तो इस प्रकार के नए नए इनिशिएटिव्स लेने के लिए बहुत काम पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में किए। उसमें एक ये था कि युवा हमारा शिक्षित तो हो जाता है, शिक्षा यानी 3R एजुकेशन तो वो लेता है, रीडिंग राइटिंग अर्थमेटिक दैट्स ऑल, डिग्री फॉर डेकोरेशन ही टेक्स एंड गो अवे टू द होम, बाद में उसको कोई पूछता नहीं है, लेकिन उसमें उसकी योग्यता बढ़ाने के लिए उसका टैलेंट, इसकी डेवलपमेंट किसी ने की कि नहीं की, उसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया। हमने आने के बाद एक नई यूनिवर्सिटी अपनी बनाई, स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी एट पलवल, और उसमें हजारों लोगों को अब स्किल डेवलपमेंट मिशन अलग से है, जैसे राष्ट्रीय स्किल डेवलपमेंट मिशन है ऐसे ही हमने हरियाणा में स्किल डेवलपमेंट मिशन बनाया, जिसमें 80,000 लोगों को हमने पिछले कार्यकाल में उनको स्किलिंग उनकी करवाई है और वो लोग रोजगार प्राप्त कर चुके हैं। तो ऐसे रोजगार प्राप्त करने के लिए स्किलिंग के काम को हमने प्राथमिकता दी। लगभग 790 ऐसे कोर्सेज हैं, यानी कहते हैं कि बालक के जन्म से और भगवान को जब तक प्यारा नहीं होता, पुरुष हो या महिला हो या परिवार पूरा का पूरा हो, ऐसे सब के लिए छोटे बड़े काम इतने ज़्यादा होते हैं, उनकी एक सूची बनाई गई है, गुजरात में सूची बनी, वो 790 स्किल्स की लिस्ट बनी है। अब 790 स्किल्स तो कोई एक संस्थान नहीं सिखा सकता, उसके लिए बहुत सा मल्टीपल एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, लेकिन इस मल्टीपल सिस्टम बनाने के बाद ऐसे स्किलिंग का के माध्यम से लोगों को तैयार किया जाए, अपना रोजगार करना, प्राइवेट नौकरी लेना, सरकारी नौकरी लेना, इस प्रकार इस मैनेजमेंट के माध्यम से हमने हरियाणा कौशल विकास मिशन में ये जो काम किया है इसके ऊपर लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। जो विद्यार्थी टेक्निकल एजुकेशन लेकर के उनको काम नहीं मिलता, उनको भी एक ट्रेनिंग की जरूरत होती है, तो ऐसे लोगों को हमने अप्रेंटिसशिप इसके माध्यम से काम देना शुरू किया, और जितना इंडस्ट्री हमारी है हम सबको एक परसेंटेज होती है कि इतनी इंडस्ट्री को इतने अप्रेंटिस रखने ही होंगे, 68,000 नौजवानों को अप्रेंटिसशिप के कोर्सेज करा करके और उनका अनुभव आगे बढ़ा, तो उनको भी प्लेसमेंट बहुत से तो उन्हीं स्थानों पर अप्रेंटिसशिप लेकर के वहाँ अपना लग गए। तो इस प्रकार के सारे सिस्टम को हमने मैनेज किया, क्योंकि यहाँ जो कहा जाता है कि इतनी बेरोजगारी है, इतने लोग हैं, उनको कुछ मिलता नहीं है, अगर आप ठीक से मैनेज करेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। लाखों लोग फिर भी ऐसे बचे हैं जो ग्रेजुएशन कर गए, पोस्ट ग्रेजुएशन करके बैठे हैं, +2 करके बैठे हैं, जिनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि आगे पढ़ाई कर सके। हमने उनके लिए एक नई योजना बनाई, सक्षम युवा, अर्थात अपने युवा को कैसे हम सक्षम बना करके उनसे काम लें, और काम भी जब तक उसको कोई और दूसरी नौकरी नहीं मिलती तब तक एक इंटरिम बेनिफिट, क्या कि उससे हम 100 घंटे महीने में काम लेंगे और 100 घंटे महीने का
9000 रुपया पोस्ट ग्रेजुएट्स को, 7500 रुपया ग्रेजुएट्स को, यदि उतना देंगे तो कम से कम वो आगे अपनी पढ़ाई, अपनी ट्रेनिंग, अपने जेब खर्ची, अपना सारा कम से कम पढ़ लिख करके अपने माता पिता के ऊपर बोझ न बने। तो इसलिए उन नौजवानों को हमने इस काम में लगा दिया। और ऐसे भी 1,00,000 से ऊपर नौजवान इन सारे माध्यम से ये सहायता जो है प्राप्त कर चुके हैं, लगभग 850 करोड़ रुपया। इतनी बड़ी योजना हमने इसको बनाई है कि उसके अंदर हमने खर्च किया है। हम चाहते हैं कोई युवक खाली ना रहे, अगर खाली रहेगा तो उसकी कोई ना कोई खुराफा तो उसके दिमाग में आती रहेगी। कहते ना कि खाली दिमाग शैतान का घर। वो कुछ ना कुछ एनर्जी उसमें होती है युवा में, तो वो एनर्जी अगर होती है खाली बैठेगा कहीं ना कहीं वो ध्वंसात्मक बातों में वो आगे बढ़ेगा। तो इसलिए इस सारे सिस्टम को भी हमने आगे बनाया है। मेरा कहने का मतलब है कि ये सारे मैनेजमेंट के पार्ट हैं, और मैनेजमेंट के पार्ट में हमारे इतिहास की अगर बातें हम समझें तो हमने महाभारत के जो कहानी सुनी होगी उसके अंदर भगवान कृष्ण ने जब दुर्योधन को पूछा कि एक तरफ तो मेरी सेना खड़ी है, एक तरफ मैं हूँ, बोलो क्या लेके जाना है, तो दुर्योधन ने क्या समझा कि भाई भगवान कृष्ण तो अकेले हैं और इधर इतनी लाखों सेना है, तो लाखों सेना को ले जाऊंगा, मेरी जीत हो जाएगी। लेकिन भगवान कृष्ण की अपनी बुद्धि थी। अर्जुन ने कहा कि मुझे भगवान कृष्ण ही चाहिए, तो अर्जुन भगवान कृष्ण को लेकर चले गए। अंतर इतना था कि भगवान कृष्ण में तो बुद्धि थी, वहां वो एक बल के रूप में आगे बढ़ रहे थे। यानी ये बुद्धि बल है और वो संख्या बल है। संख्या बल लेकर के दुर्योधन लेके चले गए, लेकिन बुद्धि बल के आगे संख्या बल भी टिक नहीं पाया। और अंततः गीता का संदेश भगवान कृष्ण ने दिया अर्जुन को, और महाभारत में पांडवों की विजय हुई। ये मैनेजमेंट ही है। अगर देखा जाए तो गीता के अंदर भी, अगर आप लोगों ने किसी ने पढ़ा हो कि नहीं पढ़ा हो, गीता में मैनेजमेंट के बहुत से ऐसे गुण गुर ये बताए गए हैं, सिखाए गए हैं। मैं बधाई देता हूं हमारे निदेशक शर्मा जी को कि आईएम में गीता को आप लोगों ने पाठ्यक्रम में जोड़ा है। तो आईएम में गीता को पाठ्यक्रम में जोड़ने का मतलब इतिहास भी हमारा मैनेजमेंट के गुणों से भरा हुआ है। और वैसे मैनेजमेंट के गुर तो हमारे भारतीयों में, विशेष तौर पर हरियाणवियों में तो कहूँगा, ये अंदर कूट कूट के भरे हुए हैं। कोई पढ़ाई लिखाई ही मैनेजमेंट में काम आती है ऐसा नहीं है। अनपढ़ आदमी भी मैनेजमेंट के बहुत गुण जानता है। हमारे शब्द चलता है जुगाड़। कोई काम करना हो और कोई उसको टेक्नोलॉजी की बहुत बढ़िया कोई मशीनरी ना मिले, या कोई महंगाई के अंदर उसको कोई लगता है कि मेरी अप्रोच से बाहर है, तो अपना कोई ना कोई खेत में काम करने के लिए जुगाड़ बना लेता है, और जुगाड़ बना करके वो सारे काम कर लेता जो बड़े बड़े मशीनरी नहीं कर पाती है। ऐसे जुगाड़ भी होते हैं। अनपढ़ लोग मैनेजमेंट के बहुत गुर जानते हैं, क्योंकि वो गुड़े लिखे होते हैं, यानी पढ़े लिखे नहीं होते तो गुड़े होते हैं। गुड़े यानी एक्सपीरियंस्ड होते हैं। मैं आपको अपने जीवन की घटना बताता हूँ। मैं कॉलेज की पढ़ाई मैंने 72 तक की प्री मेडिकल, इसके आगे पढ़ने का मुझे अवसर नहीं मिला। हमने मन में विचार किया जाकर के कोई बिजनेस करते हैं दिल्ली में। जब मैं बिजनेस करने के लिए गया तो हमने अपने पिताजी से, माताजी से, दादाजी दादी जी सबसे आशीर्वाद लेने के लिए मैं आगे बढ़ा। दादाजी से आशीर्वाद लिया तो उन्होंने कहा बेटा क्या करोगे? मैंने कहा मैं ऐसे ऐसे जाके दिल्ली में कुछ बिजनेस करूँगा। कहने लगे बेटा कुछ भी करो सफल रहो, एक बात का ध्यान रखना। मैंने कहा क्या? कि अगर तुम्हारे पास 1 रुपया है तो बाजार से 1 रुपये से ज़्यादा नहीं लेना, एक अपना एक बाजार का 2 रुपये से ज़्यादा काम मत करना। अब ये अनपढ़ हमारे दादाजी, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, और वो बातें आज हमारे फाइनेंस मैनेजमेंट के डेट इक्विटी रेशियो बोलते हैं इसको हमारे फाइनेंस के लोग। तो ये डेट इक्विटी रेशियो 1962 में हमारे दादाजी की आयु लगभग 80 वर्ष की थी, अनपढ़ थे, उन्होंने हमको बता दिया।